हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म पाथफाइंडर लर्निंग वेब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इंडिया के फिजिकल रीजन पढ़ रहे थे और इंडिया के फिजिकल रीजन में अब है जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, जो शनिवार को हमारा है, वो थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब होने की वजह से छूट गया था। अब हम है थोड़े से सही है। गुड इवनिंग प्रकाश जी। तो इसमें हम भारत के दर्रों के बारे में बात करेंगे। हिमालय जो प्रदेश है, हिमालय प्रदेश के बारे में हमने बातचीत कर ली थी, अब हम भारत के दर्रों के बारे में चर्चा करेंगे। अब तो भारत के दर्रे, तो भारत में जो स्थित दर्रे हैं उसमें जो आपके प्रायद्वीपीय पठार के जो दर्रे हैं उनके बारे में हमने प्रायद्वीपीय पठार का जो चैप्टर था उसमें बात कर ली थी, है ना। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे इसके बारे में जो उत्तर में स्थित पर्वतीय प्रदेश है, हिमालय में जो दर्रे हैं उनके बारे में। अब दर्रे होते क्या हैं, इस चीज के बारे में हम बात करते हैं। तो दर्रे, दर्रे यानी रास्ता। किस चीज का रास्ता? रास्ता होता है पर्वतों को पार करने का। किस चीज का? पर्वतों को पार करने का रास्ता। यानी आप क्या करते हैं, हम किसी रास्ते पे चलते हैं और रास्ते में क्या हो गया, हमारे पास एक व्यवधान आ गया, एक पर्वत आ गया। तो इस पर्वत को पार कैसे करोगे, इस पर्वत से दूसरी ओर कैसे जाओगे? अगर आप यहां से जाते हो तो पूरा पर्वत चढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पर्वतों को पार करने का रास्ता होता है, ठीक है। उन्हें हम दर्रे के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं ये सड़क है वो यहाँ पर बनी हुई है, पर ये दर्रे बनते कैसे? यानी एक यहाँ पर स्थान है और दूसरा स्थान यहाँ है, इन दोनों को जोड़ने का जो रास्ता है वो दर्रा ही होता है, ठीक है। और यही जो भारत में दर्रे हैं उनकी इंपोर्टेंस भी होती है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेंगे वो यही पूछेगा कौन से स्थान को, जैसे लेह को कारकोरम से जोड़ने वाला दर्रा वो कौन सा है, तो खारदुंगला है, ठीक है। कौन सी श्रेणी में है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है, ठीक है। तो ये पूछ लेगा राज्य कौन सा है, यूटी कौन सा है, स्थिति कौन सी राज्य के हिसाब से, तो राज्य कौन सा आ जाएगा आपका, यूटी है ये राज्य नहीं, वो कौन सा आ जाएगा, लद्दाख यूटी आ जाएगा। तो ये बस इतने से तीन क्वेश्चन इनसे बनते हैं, ठीक है। और ये तीन क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इनसे आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब हम पूछते हैं कि दर्रे बनते कैसे। तो देखो, जब कोई समतल धरातल था, ठीक है, उसमें उत्थान हुआ और उत्थान होने के बाद ये स्थलतल थोड़ा सा उठ गया, ठीक है। अब यहां से कोई नदी बहती है, ठीक है, यहां से नदी बह रही है, नदी को हम दूसरे इससे दर्शा देते हैं, नीले से दर्शा देते हैं, दिख रहा है कुछ, कोई भी आवाज में, वॉइस में, दिखाई देने में कोई भी हो तो आप कमेंट कर देना, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब इसमें यहां पर ये धीरे धीरे क्या है, नदी तो बहती रहती है और नदी अपरदम करती रहती है, तो उस स्थान पर तो उत्थान होगा नहीं, नदी अपरदम करती रहती है, लेकिन नदी के पास पास है आपको है वो उत्थान है वो निरंतर चालू रहता है, ठीक है। निरंतर चालू रहने की वजह से ये स्थिति आपके पास आ जाती है, दोनों साइड पहाड़ियां रहती है, बीच में आपका रास्ता रहता है, लेकिन थोड़े समय बाद नदी अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है, क्योंकि यहाँ पे हलचले हो रही है, उत्थान दशान ये प्रक्रिया है यहाँ पे प्रारंभ रहती है, भूकंप आना ये सारी चीजें निरंतर यहाँ पर चलती रहती है। तो थोड़े समय बाद क्या होता है, नदी है वो अपने मार्ग में है वो परिवर्तन कर लेती है, और मार्ग में परिवर्तन करने की वजह से यहाँ पे नदी बहना गया है बंद कर देती है, यहाँ से नदी घाटी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, नदी यहाँ से नहीं बहती, और यह एक रास्ता रह जाता है जिससे आप उस पर्वत को आसानी से पार कर पाते हैं, और यही आपका क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। तो समझ में आ गया कि दर्रा होता क्या है, दर्रा नदी को पार करने का एक रास्ता, वो दर्रा पर्वतों को पार करने का एक रास्ता है वो होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये दर्रे आपको समझ में आ गए। अब भारत में दर्रे हैं वो कहां कहां पर है ये तो हम मैं बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा अपने हाथों से बना लेते हैं, है ना। तो भारत में जो दर्रे हैं
भारत में ये पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में आपके जो महत्वपूर्ण रहने वाला है, एक तो ये है ना, ये वाला जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो कौन सा आ जाता है, लद्दाख वाला क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, ये वाला क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, और ये कौन सा वाला आ जाएगा, उत्तराखंड वाला क्षेत्र, यह कौन सा आ जाएगा, सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, नीचे नागालैंड, और आपसे आ जाता है मणिपुर। तो ये राज्य है आपके महत्वपूर्ण रूप से इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, जिनमें दर्रे आपसे स्थित है। तो ये कौन सा आ जाता है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इधर आपको आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, ये आपका उत्तराखंड, ये कौन सा है, सिक्किम, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, अपने भी है ना ये करुणा, आ जाइएगे वो अरुणाचल प्रदेश, और ये मणिपुर है ना, और कौन सा हो जाता है, मणिपुर। तो ये राज्य है जो उत्तर में जो पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, और उत्तर में पर्वतीय प्रदेश हमें पता है हिमालय है, पर हम इसे उत्तर में स्थित पर्वतीय प्रदेश के नाम से तो जानते हैं, क्योंकि हमें पूरे हिमालय का अध्ययन नहीं करना है, हमें सिर्फ उस क्षेत्र का अध्ययन करना है जो भारत में, यानी हिमालय के उस क्षेत्र का अध्ययन करना है जो भारत में स्थित है। आइए अरुण आइए आज है ना, चलिए। तो अरुणाचल प्रदेश में भी अपने 5 दर्रे हैं वो स्थित है, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। अब आ जाते हैं हम लद्दाख में। लद्दाख में एक श्रेणी है, ठीक है, उस श्रेणी का नाम क्या है, काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, क्या नाम है इस श्रेणी का, काराकोरम श्रेणी है, ठीक है। इस काराकोरम श्रेणी में बहुत सारे दर्रे आपको देखने को मिलते हैं, कौन से दर्रे मिलते हैं, बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला दर्रा है जो यहां पर मिलता है, उसका क्या नाम है, हमने जो परसों क्लास ली थी उसमें पढ़ा था, इस दर्रे का नाम बताना है, फिर ये दर्रा बताना है, ये दर्रा बताना है, और ये दर्रा बताना है, ठीक है। तो 4 दर्रे हैं वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक है, 4 दर्रे हैं वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, इन 4 दर्रों के नाम आपको बताने। तो पहला दर्रा कौन सा है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है, तो राज्य कौन सा आ जाएगा, या यूटी लद्दाख उसमें आ जाएगा। तो ये मिंटेक दर्रा स्थित है, कौन सा, मिंटेक, ये कौन सा है, अघिल दर्रा आ जाएगा, मिंटेक दर्रा आ गया, अघिल दर्रा आ गया, और ये वाला दर्रा काराकोरम आ गया, और ये वाला दर्रा देवसान दर्रा आ गया। तो ये 4 दर्रे हैं, क्रम से हमें याद है, इसमें रख लेना है, और भी जारालार, ये और भी इसमें दर्रे हैं आसपास वाले में, तो पर ये महत्वपूर्ण रूप से हमें ध्यान में रखने हैं, मिंटेक, अघिल, काराकोरम और देवसान, ठीक है। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो मिंटेक दर्रा है अपना, वो मिंटेक दर्रा सबसे उत्तर में स्थित दर्रा है, सबसे उत्तर में स्थित कोई दर्रा है तो वो कौन सा है हमारे भारत में, वो कौन सा दर्रा है, मिंटेक दर्रा है, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, सबसे उत्तर में स्थित दर्रा तो वो कौन सा है, मिंटेक दर्रा है, वहां पर स्थित है काराकोरम या काराकोरम, राज्य कौन सा आ जाएगा, लद्दाख, यूटी है ये, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें इसके बारे में ध्यान रखनी है। फिर यहां पे आपके सियाचिन ग्लेशियर भी आता है सीधा काराकोरम जो दर्रा है उसके पास में, और इस काराकोरम दर्रे के पास में जो आपका सियाचिन ग्लेशियर आता है, ठीक है, और यहीं पे आपकी एक और चोटी है, सबसे ऊंची चोटी भारत की, उसका क्या नाम है, पेटू गोडविना आस्टिन, तो वो भी आपके इसी के पास स्थित है,
यानी ख्वारा खुरम जो दर्रा है, इससे हमें यह पता चलता है ख्वारा खुरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। कौन सी स्थिति पर स्थित है? सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, वहां पर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? कराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा है? कराकोरम दर्रा सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ठीक है, तो यहां पे आपको आ जाता है सियाचिन। अब इसके बाद में आपको एक और पर्वत श्रेणी आती है, इस पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? इस पर्वत श्रेणी का नाम है लद्दाख, ना? लद्दाख पर्वत श्रेणी है। और इस पर्वत श्रेणी पे यहां पर एक दर्रा स्थित है, एक और दर्रा स्थित है। इस दर्रे का क्या नाम है? इस दर्रे का नाम है खारदुंगला। कौन सा? ला यानी जानते हो, ला यानी दर्रा ही है। तिब्बतियन भाषा में ला यानी क्या होता है? दर्रा ही होता है, तो ला यानी दर्रा है। तो इसका क्या नाम है? 8611। ये क्या है? अच्छा, ऊंचाई। मुझे लगा पता नहीं ये कौन से नंबर आ गए, है ना? चलिए कोई बात नहीं, एक तो खुद नाम उन्होंने ओटीपी डाल लिया है ना, और उसके बाद में नंबर सीधा नंबर, ऐसे भी नहीं ऊंचाई है, यो है, जो भी है, चलिए कोई बात नहीं है। तो लद्दाख में स्थित है आपको कौन सा? खारदुंगला। अब इस दर्रे का उपयोग है वो क्या है? ये देखते हैं, यहां पे हमें कौन सा नंबर लें, कौन सा वाला लें? ये वाला लेते हैं। यहां पर आपको आ जाता है लेह, क्वारविल, है ना? इन दोनों को आपका सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ने का कार्य करता है ये। ठीक है, या ये ट्रांस हिमालय में भी स्थित है, ये भी ध्यान रखना। ये चोटियां हमने पढ़ी थी ना, काराकोरम, लद्दाख, कौन से हिमालय की चोटियां हैं? ट्रांस हिमालय की चोटियां है ना, ये तो ऑब्वियसली है, पहले से पढ़ा हुआ है कौन सी चोटी कौन से हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय की है। ठीक है, अब इस लेह से जाने सियाचिन, तो यहां से चले और इससे निकलकर यहां पर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम चलते हैं, लेह से सियाचिन करें तो इस दर्रे से ऊपर हम आसानी से पहुंच जाते हैं। तो हमारे पास ये भी आ गया। अब इसके बाद हमारे पास एक और पर्वत श्रृंखला आती है, इससे नीचे एक और पर्वत श्रृंखला आती है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम है, क्या नाम है उस पर्वत श्रृंखला का? जल्दी से बता दो, कमेंट वगैरह में क्या चक्कर है? जास्पर। क्या नाम है? जास्पर पर्वत श्रृंखला है। इस जास्पर पर्वत श्रृंखला में आपके चार दर्रे स्थित है। जास्पर पर्वत श्रृंखला में चार दर्रे स्थित है। दो दर्रे आपके आ जाते हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। दो दर्रे आपके स्थित है हिमाचल प्रदेश में। दो दर्रे वहां पे हैं जम्मू कश्मीर में, और दो दर्रे वहां पर है हिमाचल प्रदेश में। तो दो दर्रे जो जम्मू कश्मीर में है वो कौन कौन से हैं? ये वाला कौन दर्रा कौन सा है? बुरजिल्ला। और ये वाला जोरजिल्ला। ऐसे सुना हुआ लग रहा है ना कुछ नाम, ऐसे जोरजिल्ला है ना? तो एक तो बुरजिल्ला और दूसरा कौन सा आ जाता है? जोरजिल्ला, जो कहां पर स्थित है? हिमाचल, वो जम्मू कश्मीर में जास्पर पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, अब उससे बाद में दो दर्रे आते हैं हिमाचल प्रदेश वाले। ये दर्रा कौन सा है? बड़ा लाचा ला। ठीक है, और ये दर्रा कौन सा है? शिपकी ला। बड़ा लाचाला और शिपकी ला।
तो ये चार दर्रे हैं जो आपको कौन सी पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं, आपको जासर पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं। दो दर्रे आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है ना, अभी जो यूटी बन चुका है उसमें, और दो दर्रे आपके उसमें आ जाते हैं, जासर पर्वत श्रृंखला में आ जाते हैं। उससे नीचे फिर आपको एक और पर्वत श्रृंखला मिलती है। इस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है, इस पर्वत श्रृंखला का कौन नाम बताएगा? जब तक मैं बताता बनाता हूं तब तक आप इसका नाम बताओ। इसका नाम है पीर पंजाल। तो एक दर्रा तो पीर पंजाल नाम से ही स्थित है ना, और इस पर्वत श्रृंखला में तीन दर्रे पड़ने हैं, दो दर्रे जम्मू कश्मीर में, एक दर्रा है वो कौन से में, हिमाचल प्रदेश में। दो दर्रे जम्मू कश्मीर में, एक दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में हमें पढ़ना है। तो पीर पंजाल सही है रुना, ठीक है। दो दर्रे हमें पढ़ने हैं जम्मू कश्मीर में और एक दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। धीरे थोड़ी चल रहे हैं, मुझे बता देना अगर धीरे चल रहे हो, मैं इस हिसाब से कि आपको क्लास में ही याद हो जाए इसलिए मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूं इनमें। जब हम इस फिजिकल डिवीजन को पूरा पढ़ लेंगे, हालांकि इस हफ्ते में हम इसे पूरा कर देंगे, तो उससे बाद में हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि क्या होता है, मेरे पास बच्चों के फोन भी आ रहे हैं ना, तो क्या होता है कि हम ये चाहते हैं कि हम जल्दी से पढ़ ले, पर स्टेडी एक प्रोसेस होती है ना, हम खुद उस चीज से गुजरे हुए हैं तब हम जानते हैं कि प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या होता है, आप एक साथ बहुत सारा अंदर डालना ही डालना नहीं होता, उसको निकालना भी होता है, ठीक है। आप जैसे कोई भी किताब होती है उसको धीरे से पढ़ो, स्टार्टिंग से तीन या चार चैप्टर एकदम तसल्ली से, थॉट प्रोसेस बनाओ कि वो चीज है क्या, और बाद में है वो एक साथ सल्टा दो, है ना, वही होता है। और अगर आप स्टार्टिंग में तेजी से पढ़ोगे तो लास्ट वाले चैप्टर हमेशा छूट ही जाते हैं, तो वो प्रोसेस हमें नहीं करनी है, उस प्रोसेस से ना ही हमें चलना है और ना ही वो हमें अपनानी है, ठीक है। तो हमें जो करना है वो क्या करना है, हमें धीरे धीरे कदम बढ़ाना है, पछुआ चाल जिसे बोलते हैं, पछुआ चाल चलो पर मंजिल तक जरूर से पहुंचना है, ठीक है। और अगर हम खरगोश जैसे चलना चाहते हैं और फिर बाद में क्या होता है, मंजिल से पहले ही हम अपना रास्ता भटक जाते हैं, तो ये चीज नहीं आनी चाहिए, हमें मंजिल प्राप्त करनी। और हमारे ऊपर आपने ट्रस्ट दिखाया कि हाँ सर है वो और सब पूरा करवाएंगे, तो निश्चित रूप से ये मान के चले जो हम डेट दे रहे हैं, तो इस डेट से पहले एग्जाम चाहे आगे बढ़ जाए तो हम रिविजन भी करवा देंगे, लेकिन हम जो डेट दे रहे हैं 15 जून लास्ट डेट है, उस डेट से पहले आपका पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस, पूरा राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वो पूरा होकर रहेगा। और ऐसा भी नहीं कि लास्ट 15 दिन में 10-10 घंटे क्लास है, ऐसा नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था 2 अप्रैल से हमारा बैच चल रहा है, धीरे धीरे चलाए, आज मैंने पहले भी कहा था कि मंडे से 3 क्लास हो गई, मोहन सर थी, कार्टोग्राफी भी मैंने ली और आज ये क्लास मैं ले रहा हूँ, और नेक्स्ट मंडे से, क्योंकि जब आप 3 घंटे की क्लासेज पूरे दिन में डाइजेस्ट करना सीख जाओगे, उनको आप समझना सीख जाओगे, तो नेक्स्ट मंडे से आपके 4 क्लासेज हो जाएगी और फिर बुधवार से हो सकता है कि 5 क्लासेज ही आपके हो जाए। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलेगा और मई लास्ट तो आपका 90% कोर्स है वो हम करवा देंगे, तो ये निश्चित रूप से आप रहे। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हालांकि क्लासेस, क्योंकि ऑफलाइन वाला भी चल रहा है बैच, ऑनलाइन वाला भी चल रहा है, तो क्लासेस का शेड्यूल थोड़ा टाइट होने की वजह से आजकल मैं आपसे वो टाइम नहीं दे पा रहा हूँ कॉलिंग पर आप मुझसे मैसेज दे दो, मैं आपसे जब भी फ्री हूँगा तो निश्चित रूप से आपसे बात जरूर करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम पढ़ रहे थे पीर पंजाल श्रेणी में, ठीक है, और पीर पंजाल श्रेणी में 3 दर्रे हैं आपके पास, 2 दर्रे जम्मू कश्मीर में है, 1 दर्रा वहां पर है बताओ हिमाचल प्रदेश में। तो जो जम्मू कश्मीर वाले हैं वो कौन से हैं, पीर पंजाल और बनिहाल, कौन कौन से दर्रे हैं, पीर पंजाल और बनिहाल, ठीक है। और ये को
कौन सा दर्रा है? हिमाचल प्रदेश वाला। ये दर्रा कौन सा है? रोहतांग। ये दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा है। तो आई होप आपको ये पूरा डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, कोई इसमें डाउट नहीं रहा होगा। अब देखो इसमें बहुत सारी डिटेल्स है जो डिटेल हम जानते हैं, ठीक है। तो हमने जान लिया मिंटेट जो है, मिंटेट सबसे उत्तर में है, अच्छे से याद कर लेना, यही क्वेश्चन आएंगे बाद में। थ्योरी तो मैं आपको दे दूंगा नोट्स में भी, है ना, हर दर्रे के बारे में 10-10 लाइन दे दूंगा, ठीक है, पर वहां से क्वेश्चन नहीं बनते, वहां से आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है। जो क्वेश्चन बनते मैंने बता दिए पहले ही, तीन ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपके। दर्रा है कौन से दो शहरों को या स्थानों को जोड़ता है, कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है या कौन से राज्य में स्थित है, यही तीन क्वेश्चन है वो आपके बनने हैं इन दर्रों से, ठीक है, महत्वपूर्ण यही तीन क्वेश्चन आपके बनते। तो मिंटेट दर्रा सबसे उत्तर में है, काराकोरम में है, है ना, और ये सारे हैं वो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करते हैं। ऊपर कौन सा आपका? तिब्बत है, तो ये सारे दर्रे आपको लद्दाख से तिब्बत को जोड़ने का कार्य करते हैं। फिर आपके काराकोरम आ जाता है, वो सबसे ऊंचा है, अगिल दर्रा भी काराकोरम में है और देवसान दर्रा भी काराकोरम में। अब ये देवसान दर्रा है वो चीन में है और ये सारे पाकिस्तान में, ये ऑक्यूपाई कश्मीर वो वाला सिस्टम है, है ना, वो समझाया था मैं आपको। ये इतना सा मैप है, है ना, ये क्या होता है, एलओसी हो जाता है ना, अच्छाई चीन वाला क्षेत्र, तो ये अलग है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था जनरल इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब इसमें लेह हो गया, क्वारिल हो गया, लेह से क्वारिल को जोड़ने, वो सियाचिन ग्लेशियर को जोड़ने का कार्य कौन सा दर्रा करता है? क्वारदुमला दर्रा करता है, जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, यहां पे कौन सा है स्थित, लाल पे वहां हो गया हमारा, यहां पे है आपका श्रीनगर, यहां पे कौन सा स्थित है? श्रीनगर स्थित है, ठीक है। और यहां पे कौन सा स्थित है? मनाली या यहां पे शिमला वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डोट देख लेना आप अपने हिसाब से, है ना, पर यही है। अब अगर आपको श्रीनगर से लेह जाना है ना, तो कौन सा दर्रा अपनाओगे? जोड़ जिला दर्रा अपनाए, लेह चले हुए। श्रीनगर से आपको सियाचिन जाना है, श्रीनगर से जाना है वहां पर सियाचिन, तो श्रीनगर से रास्ता अपनाए, पेन दूसरा चेंज करते हैं, कौन सा ले, ये वाला लेते हैं। सियाचिन से श्रीनगर से रास्ता अपनाए, जोड़ जिला दर्रा पार करा, और जोड़ जिला दर्रा पार करने के बाद, ठीक है, आप कौन से में गए? फारदुल्ला दर्रे में गए, और फारदुल्ला दर्रा पार करने के बाद आप वहां पे चले गए, सियाचिन ग्लेशियर में पहुंच गए, बिल्कुल इजी था। तो इस तरह से ये आपको रास्ता है वो पार करने का माध्यम बताते। अब जो श्रीनगर से अगर आपको वहां पे जाना है, क्वारदिल जाना है, तो आप बुरजिल्ला दर्रा पार करो और आप क्वारदिल पहुंच जाओगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये पूरा जो क्षेत्र है वो कार्य करता है। नीचे आपका जम्मू है, ठीक है, जम्मू से श्रीनगर जाना है, पीर पंजाल पार करना पड़ेगा, ठीक है। जम्मू से आपका लेह जाना है, तो लेह जाना है तो पहले बनिहाल दर्रा पार करो, और या तो आप कौन सा पार कर लो, जोड़ जिला पार कर लो, और या फिर आप बाड़ा लाचला पार कर लो, तो इस तरह से आप। और यदि आपको मनाली से लेह जाना है तो बाड़ा लाचला दर्रा पार करके लेह चले जाओ। तो ये जो रास्ते हैं वो आपको स्थान मैंने बता दिए और रास्ते मैंने बता दिए, ठीक है। शिपविल्ला दर्रा है वो आपका हिमाचल प्रदेश यानी शिमला से लेह तक वो तिब्बत को जोड़ता है, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, जो ये आपका शिपविल्ला दर्रा है, यही है ना, यहाँ पे देखो शिपविल्ला दर्रा, ये आपका शिमला से, है ना, यहां पर आ जाएगा शिमला, और शिमला से आपको किसे जोड़ता है? तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से मैप को बना भी लेना कॉपी में हाथ से, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा गला सही हो गया, कल पूरे दिन कुछ नहीं बोला, चुपचाप साइलेंट, है ना, तो उससे सही हो गया आज।
चलिए अब ये सारा क्षेत्र हमने समझ लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं किस पे? उत्तराखंड पे, पर इसमें हमारे पास जगह ही नहीं बची है ना, तो उत्तराखंड वाला मैप हम दूसरा बना लेते हैं। नीला ही बनाए हुए हैं, नीला नहीं पीला, पीला ही चल रहा था ना। इसमें देख लो ये आपका कौन है, उत्तराखंड है, ये कौन सा राज्य है, उत्तराखंड, ये सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश और यहां पे मणिपुर। तो ये यहां पे एक मणिपुर को पहले ही चल डालते हैं अपन, है ना। तो मणिपुर में जो दर्रा स्थित है उस दर्रे का क्या नाम है, मणिपुर में जो दर्रा स्थित है उस दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा वो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने का कार्य करता है। तो मणिपुर में जो दर्रा स्थित है वो कौन सा दर्रा है, तुजू दर्रा है, वो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये तो हमने सल्टा लिया, वो पहले ही कर लिया, सॉरी है ना। वो क्या है, थोड़ा सा हम बीएससी वाले स्टूडेंट रहे हुए, तो थोड़ा जैसे क्वेश्चन मैथ वाले इतने क्वेश्चन निकालते थे, तो ये उसी जमाने से थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी हो गई, पर सुधार करने का पूरा पूरा प्रयास है। चलिए अब आते हैं, यहां पे जो दर्रा स्थित है सबसे इसमें आता है एक मुलिंगला, कौन सा है ना, कौन सा दर्रा, मुलिंग ला दर्रा, वहां पर, यहां पर। फिर इसमें आ जाएगा यहां पर एक और दर्रा स्थित है, कौन सा दर्रा स्थित है, मानाला, यहां पर नीतीला और यहां पर लिपु लेर, माना नीति और लिपिल लेर। और एक और दर्रा आ जाता है, कौन सा, मुलिंग ला, और इन दोनों के बीच, माना और मुलिंग के बीच में एक और दर्रा स्थित है थावा ला। और ये सारे दर्रे हैं, ये जो सारे दर्रे हैं वो भारत को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करते हैं। और मानसरोवर कैलाश यात्रा है, उस मानसरोवर कैलाश यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन्हीं दर्रों से होकर हम जाते हैं मानसरोवर कैलाश यात्रा में। लेकिन ये दर्रे ऊंचाई पर स्थित है ना, सर्दियों में स्थित है, तो यहाँ पे बर्फबारी की समस्या पाई जाती है, और ये शीतकाल में ये दर्रे क्या है, जम जाते हैं, यहाँ पे बर्फबारी की समस्या आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करते हैं, और मानसरोवर कैलाश यात्रा में ये सारे दर्रे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें लिपुलेख और नीतीला ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। लिपुलेख जो दर्रा है ये आप यहाँ पर स्थित है, तिब्बत भी आ गया, नेपाल भी आ गया और भारत भी आ गया, ये इस तीनों को कवर करने का कार्य करता है। ठीक है, और फिर इसमें आ जाते हैं हम किसमें, सिक्किम में। तो सिक्किम में यहां पे जो दर्रा है उस दर्रे का नाम है नाथुला। नाथुला दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है, 1962 से पहले जब भारत चीन युद्ध हुआ था उससे पहले नाथुला दर्रा द्वारा व्यापारिक और सामरिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण दर्रा था, यहाँ पे व्यापार भी होता था। हालांकि अभी इसको खोलने का प्रयास चलता है, लेकिन बार बार वही चीन और भारत के मध्य जो रिश्तों में जो खट्टा मीठा चलता रहता है ना, कभी कड़वा कभी मीठा, तो उस वजह से वापस से अदरजुल में ही रहता है ना। और ये दर्रा जो चीन का रेशम मार्ग है, जिसे हम बोलते हैं चीन ने बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लिया है, BOR इनिशिएटिव, जो रेशम मार्ग चीन का हम कहते हैं, रेशम मार्ग हम पढ़ेंगे, परिवहन वाला जो चैप्टर है वो आपका परिवहन, वो डिटेल से उस चीज को पढ़ेंगे जो पुराने रेशम मार्ग है। तो रेशम मार्ग था जिसमें जिसके माध्यम से चीन है वो व्यापार
करता था। उस रेशम मार्ग का भाग है कौन सा? नाथुला दर्रा, जो वहां पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा इस भाग का इसका भाग है जो वहां पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। और इस नाथुला दर्रे के पास ही और पर्वत श्रृंखला है जो काराकोरम के पास में थी, K2, उसके बाद में नंबर आता है इसका, और उसका नाम क्या है? अरे बता दो, कंचनजंगा। कंचनजंगा उसका नाम है, ठीक है ना? और मेरी मौसी का नाम भी है कंचन, है ना? तो ये ऐसे याद कर लिया करो, रिश्तेदार कोई ना कोई तो नातू हो गई ना आपके आस पास भी, तो उससे याद कर लेना कि नातू है, वो जल जाता है आपकी बातें सुनकर। तो दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा? जलेपला। जलेपला सही लिखा है मैंने, अब जो भी लिखा है समझ जाना आप, है ना? तो वही बात हो ही जाता है। तो नातु क्या है? जो भी आस पास का नातु है, वह नातु आपकी बात सुनकर जल जाता है और सिक्किम में जाकर बैठ जाता है। तो नाथुला और जलेपला वहां पर है सिक्किम में, ठीक है? और ये नाथुला जो दर्रा है वो तिब्बत की राजधानी, पुरानी राजधानी ल्हासा को भी जोड़ता है सिक्किम से, ठीक है? और जलेपला भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है सिक्किम से चीन को जोड़ने का कार्य करता है दार्जिलिंग घाटी के माध्यम से, चुंबी घाटी के माध्यम से। नाम सुने हुए दार्जिलिंग घाटी और चुंबी घाटी, जो दर्रे के बाद में जो जस्ट नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे वो हिमालय में घाटियों से जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस दर्रे के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? घाटियों के बारे में कल पढ़ेंगे। तो नाथुला और जलेपला हो गए। अब आ जाते हैं हम अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपसे चार पांच दर्रे मिलते हैं। इसमें सबसे पहला यहां पर है जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का कार्य कर, वो कौन सा है? बोमडीला। कौन सा दर्रा है? बोमडीला दर्रा है, ठीक है? समझ में तो आ रहा है ना? कोई सब ऐसे लग रहा है जैसे साफ सुन रहे हैं आपको, कोई कुछ बोल नहीं रहा, कोई कुछ कमेंट नहीं है, है ना? कौन कौन बच्चे देख रहे हैं? बोमडीला हो गया, फिर यहां पे जो ऊपर चोटी है वहां पे यांग याब दर्रा है, यहां पे दीफू दर्रा है। तो ये दो दर्रे हो गए, बोमडीला, यांग याब और दीफू दर्रा। बोमडीला, यांग याब और दीफू दर्रा। यहां पे आ जाएगा कुमचबांग दर्रा, ठीक है? फिर उसके बाद में जो दर्रा आएगा नेक्स्ट दर्रा, वो कौन सा दर्रा आएगा? लीफा पानी। यहां पे लीफा पानी, लीफा पानी। और इन दोनों के बीच में एक और दर्रा है, उस दर्रे का क्या नाम है? उस दर्रे का नाम है पांग साऊ दर्रा। कौन सा दर्रा? पांग साऊ दर्रा। तो बोमडीला, यांग याब, दीपू, कुमच बांग, लेफा पानी और पान साहू दर्रा, ये दर्रे हैं जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं आपको इसमें पढ़ने, ठीक है? ये थोड़ा मात्रा वात्रा आप देख लेना, पर ये दर्रे हैं। तो ये टोटल दर्रों के बारे में आप जान गए, भारत में यही दर्रे हैं जो आपको पढ़ने हैं। आ रहा है सर, चलिए प्रकाश जी। तो ये दर्रे हैं जो भारत में आपको पढ़ने, अच्छे से मैप बना लेना, राज्य वाइज बना लेना, जैसे मैंने बनाया सेक्शन वाइज, तो सेक्शन वाइज बना लेना। ऐसा जरूरी नहीं है हिमालय से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक पूरा मैप बनाओ और उस पूरे मैप में बनाकर फिर ही आप दर्रे दर्शाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसे राज्य वाइज दर्शा लेना, ठीक है? कुछ नहीं जाता, हमारा टाइम बचना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलनी चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, ठीक है? अब ये दर्रे तो हमने बता दिए और आपने पढ़ भी लिए, पर इनकी शॉर्ट ट्रिप भी बताएं या नहीं बताएं? जैसे सिक्किम की बताई कि नाथू है, नाथू आपसे जल गया और वहां पे चला गया, सिक्किम में चला गया है या नहीं किसी के आसपास नाथू?
तो वो भी बता देना कोई है तो, और सच में जलता है तो और भी अच्छी बात है ना, ज्यादा परेशानी नहीं होगी इतनी त्याग करने में, सही है। अब हम देखते हैं लद्दाख में स्थित दर्रे, ठीक है, लद्दाख में स्थित जो दर्रे हैं वो कितने दर्रे हैं, कितने प्रकार से दर्रे हैं, तो इसमें लादे जरा है ना सोरा आला दे जरा ओरा फालू है ना, आला दे जरा ओरा फालू, तो ये दिख तो रहा है ना, दिखने में कोई परेशानी थोड़ी है, मुझे लग रहा है ही, तो हम पेन दूसरा ले लेते हैं। लद्दाख में जो दर्रे हैं उसमें, और मोटा भी ले लेते हैं कोई बात नहीं, लद्दाख में जो दर्रे हैं उसमें आला दे जरा पूरा फालू, यानी आला ही दे दे गीला ही दे दे उसको थोड़ा सा फा लेते हैं, बता दो सर, बता दें आला दे जरा पूरा फालू, आला यानी अविल है ना, आला यानी आगिर दर्रा है ना, ला यानी लानक ला, दे यानी देव साहब, जे यानी जाराला, प्रे यानी पाराकोरम, और फालु यानी फारदुंग ला, राइटिंग समझ में आ रही है, फारदुंग ला, तो इस तरह से आपको ये दर्रे हो जाते हैं जो इसमें है लद्दाख पर्वतमाला में स्थित, लद्दाख जो यूटी है उसमें स्थित है, ठीक है। आला दे जरा ओरा फालू यानी आला ही दे दे, राजस्थानी भाषा में बोलते ना वीला ही दे दे, ओरा ही फालूंगा मैं तो इसको है ना, तो वो चीज है आला दे जरा ओरा फालू लद्दाख में है, इसमें अगिल लानत ला देव साम जारा ला पारोरम और फारदुमला, तो ये सारे दर्रे हैं वो इसमें आ जाएंगे। फिर आ जाते हैं हम कौन से में, जम्मू कश्मीर में, बूझो बनी पीर है ना, ये मात्रा लगा लें कौन सी लग रही, तो बूझो बनी पीर यानी बनी पीर से पूछो, या जो भी है जो देवता होता है हमारे उसको पीर बोलते हैं, बनी यानी बनी होती है, है ना, जिनकी शादियां हो जाती है उनको बोलते हैं ना बनी है ना, तो बूझो यानी पूछो भगवान से पूछ लो जो भी है ना, तो बूझो बनी पीर में क्या हो जाएगा, बुढ़ जिला, ये जोर जिला, बनी यानी बनिहाल, और पीर यानी ये ऐसे ही है पीर पंजाल है ना, पीर यानी पीर पंजाल, ठीक है। तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे कोई समस्या हो रही है ना, सिक्किम में तो हमारे पास दो ही दर्रे हैं, कौन से दर्रे, नाथुला नाथु जलगर सिक्किम चला गया, यानी नाथुला और जलेपला, नाथुला और जलेपला, तो नाथु जलकर वहां पे चला गया, सिक्किम में चला गया, ठीक है। अब और कौन से बच रहे हैं हमारे पास, उत्तराखंड के,
उत्तराखंड में कौन से हो जाएंगे? माना, नीति, लिथी में थावा जी या थाना जी, है ना? तो माना से माना दर्रा, नीति से नीति दर्रा, लिथी से लिपुलेत, है ना? मेया से मुलिंदला और थावा जी से थाना जी, यानी थावा जी। यानी माना से मैंने माना, नीति लिपि में लिपु थाना जी, यानी मैंने थान माना मान लिया मैं कि मैंने कुछ लिखा है, नीति लिखी है थाना जी, थानेदार को बोलते हैं ना, तो वो वाली चीज में आपको लगानी है। नहीं आया समझ में? कि माना कि मैंने नीति लिखी है, यानी मैंने कुछ लिखा है थाना जी, यानी थाने में, है ना? तो मानाला, नीतिला, लिपुलेत, मुलिंदला और थानाला, तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। और अरुणा क्या बोल रहे हैं? माना, नीति, लिपुलेत, सही बात है अरुणा जी। अब आ जाते हैं ये दर्रे हो गए हिमाचल से, तो दो तीन ही दर्रे हैं, है ना? हिमाचल से तो तीन ही दर्रे, कौन कौन से दर्रे हैं? रोहतांग, बाड़ला चला और शिपकिला, तो उनमें तो यही याद करना है ना? रोहतांग, बाड़ला चला और शिपकिला, ये कौन से दर्रे आ जाएंगे हिमाचल से? हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रे हैं, रोहतांग, बाड़ला चला और शिपकिला, ठीक है? ये हिमाचल प्रदेश वाले दर्रे आ जाते हैं। और बताओ, और कौन सा बच रहा है हमारे पास? तुजू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश, यानी दीपू या दीपू, बोला या लिखा, कुपंग, ऐसे लिख लो, दीपू बोला या लिखा कुपंग, है ना? यानी कुछ उसने बहुत ही ज्यादा खराब लिखा है, खराबी पंक्तियां उसने लिखी है या बोला है, ठीक है? दीपू बोला या लिखा कुपंग, है ना? तो इससे आप वे सारे दर्रे हो जाएंगे। दीपू, दीपू से दीपू दर्रा, ठीक है? दीपू से कौन सा दर्रा हो जाएगा? दीपू दर्रा हो जाएगा, है ना? बो से बोमडिल्ला भी आप लिखा से लिखा पानी या लिखा पानी, उसे उसे कौन सा हो जाएगा? उमंच और पंग से पांग साऊ, तो ये दर्रे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सारे दर्रे, टोटल जो दर्रे हैं भारत में, उन सबके बारे में मैंने बता दिया। सबसे उत्तर में कौन सा है, कौन कौन से राज्य को जोड़ता है, कौन से स्थानों को जोड़ता है, सारा डिटेल में सब बता दिया, और इनकी शॉर्ट ट्रिप भी मैंने आपको बता दी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, वो मुझसे पूछ लो, ठीक है? फिर हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे, जो नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, किस तरह से कौन कौन सी चीजें हैं वो इनसे पूछी जाती है। बोमडिल्ला, अरुणा बता रहे, और आज तो बहुत दिनों बाद मनीषा जी भी जुड़ी हुई है। हाँ जी बताओ, राइज हैंड, चलिए। तो चले फिर आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना? तो आगे चलते हैं, और ये सारे हो गए। अब जैसे बनिहाल दर्रा है,
तो बनिहाल दर्रा वहां पर स्थित है, जल्दी जल्दी वो पढ़ लेते हैं और फिर हमारा ये चैप्टर पूरा, वो सारी चीजें वही आने वाली है जो मैंने बताई है। तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, लघु हिमालय में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, वहीं पर स्थित है लघु हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर पीर पंजाल में स्थित है, पीर पंजाल और जम्मू कश्मीर दोनों में। गुड इवनिंग मनीषा। और श्रृंखला में स्थित है तथा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, समझाया था वहां पे। यहां पे ये दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा है, ठीक है। यहां पर स्थित है ये श्रीनगर है और ये जम्मू है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने का कार्य कौन करता है? बनिहाल दर्रा करता है। अच्छे समझाया था, पीर पंजाल श्रृंखला में ये स्थित है, ठीक है। सारी चीजें वही आने वाली है ना। इसे पहले NH44 को आ जाता था, अभी ये NH44 ने पहले उसे NH1A इसी दर्रे से होकर गुजरता था। शीत ऋतु में यहाँ पे बर्फ का जमा हो जाने के कारण आगमन बाधित हो जाता है और बनिहाल दर्रे में 1956 में यहाँ देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया। तो जवाहर सुरंग, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपके एग्जाम में, जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में है? तो कौन सा दर्रा हो जाएगा आपका? बनिहाल दर्रा हो जाएगा। जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में स्थित। और बनिहाल दर्रा किन्हें जोड़ता है ये बताओ? बनिहाल दर्रा जोड़ता है जम्मू को श्रीनगर से। तो जवाहर सुरंग किससे जोड़ेगी? जम्मू को लेह से, जम्मू को श्रीनगर से ही जोड़ेगी, है ना। पहले तो श्रीनगर आएंगे, फिर आगे जाना हो तो चले जाओ वहीं पर भी, पर पहले तो हम श्रीनगर ही आएंगे। तो इसी तरह से हमें ये सारे दर्रे हैं वो देखने हैं, समझ गए। जवाहर सुरंग वहां पर है बनिहाल दर्रे में। लानकला ट्रांस हिमालय में स्थित लद्दाख और तिब्बत के बीच ये संपर्क मार्ग है। लानकला अधिकृत अत्साई चीन का एक हिस्सा है, अत्साई चीन में ये स्थित है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहां से ये ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर आ जाते हैं काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा है वो हिमालय से ही है, श्रेणियों में लद्दाख जो राज्य क्षेत्र है वहां पर स्थित है, भारत और चीन के बीच में संपर्क मार्ग है, बताया था, और सियाचिन के पास स्थित है। ऊपर जो काराकोरम में जितने भी दर्रे हमने पढ़ा है, काराकोरम में जितने भी दर्रे वो भारत और चीन के मध्य मार्ग का कार्य करते हैं, भारत और चीन के मध्य स्थित है, ठीक है। और भारत और चीन के तनाव की स्थिति में आने जाने वही बंद कर दिए हुए हैं, भारत और चीन का मैंने बताया ही है, ऐसा ही चलता रहता है, खट्टा मीठा रास्ता है, रिश्ता है ना, कुछ भी हो सकता है, कभी भी व्यापार पे ट्रीटी कर लेंगे, फिर हम अगले 5 सालों में $5 trillion का व्यापार करेंगे और अगले दिन ही व्यापार बंद, है ना। तो कुछ भी हो सकता है भारत और पाकिस्तान के मध्य में। और ये सर्वाधिक काराकोरम दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ये भी बताया था अभी, सबसे ऊंचाई पर स्थित है और सबसे उत्तर में मिंटेक दर्रा स्थित है जो 5,540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। फिर आ जाता है आपसे बुर्जिल्ला, ये वृहद हिमालय में आएगा। बुर्जिल्ला भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर यह है स्थित है, जो नियंत्रण रेखा है कौन सी, LAC या LOC, ये भी ध्यान में रखना है। LOC वो आती है भारत और पाकिस्तान के मध्य, है ना, और LAC वो भारत और चाइना के मध्य, है ना। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य LOC के ऊपर स्थित है, ठीक है। और बुर्जिल्ला कश्मीर गिलगित श्रीनगर के बीच एक प्राचीन मार्ग है, ठीक है, ये तो है ही, मंदिर से शीत ऋतु बंद हो जाते हैं परिवहन। POP में आता है कश्मीर घाटी को देवसाई मैदान से जोड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, लद्दाख के देवसाई मैदान से यह जोड़ता है। फिर आ जाते हैं जोरजिल्ला दर्रा, है ना। तो ये जोरजिल्ला दर्रा NH1 के राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम हो गया, इसे बनाने का काम कौन कर रहा है? सीमा संगठन, सीमा सड़क संगठन है वो इसे बनाने का कार्य कर रही है। बुर्जिल्ला दर्रा श्रीनगर से लेह के मध्य मार्ग प्रदान करता है, ये हमने पढ़ा था, श्रीनगर से लेह के मध्य मार्ग प्रदान करता है कौन? बुर्जिल्ला दर्रा, वहां पे वही हमारे दर्रे। तो ये श्रीनगर से लेह के बीच में जो श्रीनगर और यहाँ पे कौन सा है लेह, इसके बीच में मार्ग प्रदान करता है बुर्जिल्ला
दर्रा प्रदान करता है। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, पर इन्हीं से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। इनमें ऐसा नहीं कि दुनिया भर का इतिहास पढ़ने लग जाओ आप, ये ध्यान रखना है। फिर आ जाता है रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय में स्थित एक प्रमुख दर्रा है जो मनाली को लेह से जोड़ता है सड़क मार्ग द्वारा। समझाया था, मनाली को लेह से जोड़ता है, यहां से ऐसे जाके ऐसे ऊपर, ठीक है। या मैप निकाले तो मैप निकाल लेते हैं, फिर से देख लो भाई अपना जा रहा है इसमें। तो ये क्या है मनाली और ये क्या है लेह, तो यहां से इस दर्रे से होते हुए आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, इसमें एक सेकंड रुकना, शायद मैंने ऊपर टिक कर दिया मनाली है ना, नीचे स्थित होगा, तो इस नीचे से जाएगा इधर से रोहतांग होते हुए, रोहतांग से फिर आपका बाड़ा लाचला होते हुए लेह जाएगा, इधर से जाएगा। चलो ये देख लिया तो सही भी रहा, हो जाती है मिस्टेक। ठीक है, और मई से नवंबर तक ये खुला रहता है और उसके बाद में सर्दियां बढ़ने की वजह से ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और लाहौल स्पति जिले का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। ये तो घाटियां जब हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रख लो, लाहौल स्पति जो घाटी है उसमें जिला स्थित है, उसका प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। फिर आ जाता है नाथुला, सिक्किम में है, बृहद हिमालय की चोटी का भाग है और गंगटोक से ल्हासा, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, ल्हासा तिब्बत की राजधानी है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। और ये पुराने समय में, ये मैंने बताया था आपको, पुराने समय में रेशम मार्ग का भाग है, सामरिक और आर्थिक व्यवसायिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण दर्रा है, ठीक है। और परंतु 1962 के युद्ध के बाद यह बंद कर दिया गया और 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया था, ठीक है। और व्यापारिक सिल्क मार्ग का यह भाग है। फिर आ जाता है दीफू दर्रा, जो आप अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तर पूर्वी हिमालय, भारत चीन और म्यांमार की सीमाओं पर स्थित हुए दर्रा है, तीनों सीमाओं पर स्थित दर्रा है। तो वो कौन सा है, दीफू दर्रा है, भारत चीन और म्यांमार तीनों की सीमाओं पर स्थित हुए दर्रा है, तो वो कौन सा दर्रा है, दीफू दर्रा है, ठीक है। छोटा सा रास्ता है जो मांडले म्यांमार के लिए उपलब्ध होता है। फिर आ जाता है आपका लिपू लेख, वहां पे है, उत्तराखंड में स्थित है, कुमाऊं श्रेणियों में अवस्थित है। उत्तराखंड में जो श्रेणियां हमने प्रादेशिक वर्गीकरण का किया था, तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में हमने उन्हें बांटा था। तो आपका जो ये है कौन सा, लिपू लेख कौन से में आ जाएगा, कुमाऊं हिमालय में आ जाएगा। मानसरोवर कैलाश में जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए मार्ग प्रदान करता है। भारत और चीन के बीच में होने वाले व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग भी प्रदान करता है, भारत और चीन को जोड़ता है, ये मैंने बताया था। भारत चीन और नेपाल के मध्य सीमाएं भी बनाता है लिपू लेख में, ये बताया था ना अभी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा पूछ लो, सारी चीजें बताई हुई है, बस हम इसे लिखे हुए के माध्यम से कुछ छूट ना जाए इसलिए हम इसे रिविजन कर रहे हैं। ये लिपू लेख है, ये चीन है, ये नेपाल है और ये भारत है, इन तीनों के मध्य जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं, है ना, होता है कई बार भी हो जाता है। और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है और ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता रहता है और शीतकाल में बंद रहता है। दर्रे हैं सारे ऊंचे ही हैं और ये बंद तो रहते ही रहते हैं शीतकाल में, ठीक है, सब आ रहा है। चलिए तो कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं फिर हम लास्ट स्टेज पे चलते हैं। और लास्ट स्टेज कौन सी हमारी, इन दर्रों के बारे में हम जानते हैं कौन से राज्य में, पर्वत श्रृंखला में। इस बार फिर से सारणी मैंने टेबल बनाई है जो क्विक रीजन में आपको बहुत सहायता करेगी। तो ये सारणी बनाई है, नाम है ना, प्रदेश हिमालय प्रदेश, सही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है हिमाचल प्रदेश, ये क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश कैसे हो सकता है, पर ये हिमालय लिखा हुआ है, हो जाता है कोई बात। फिर है अवस्थिति और फिर है मार्ग, यानी ये सारणी पढ़ लो आप, है ना, आपका 90% काम है वो हो
हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, काराकोरम दर्रा है, देवसांग दर्रा है, नालकना दर्रा है, चांदला दर्रा है और जाराला दर्रा है, फारदुनला दर्रा है। ये सारे दर्रे आपके ट्रांस हिमालय में स्थित है, ठीक है। इसमें स्थित है ट्रांस हिमालय में, दिख रहा है ना सबको, है ना। और लद्दाख में स्थित है, लद्दाख यूटी है अपना, वहां पर स्थित है। और ये सारे भारत और चीन के मध्य मार्ग आपको प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये सारे काराकोरम, देवसांग, लानकला, चांदला, जाराला और फारदुनला ट्रांस हिमालय में स्थित है, लद्दाख में स्थित है और आपका मार्ग प्रदान करते हैं भारत और चीन के मध्य, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई। फिर आ जाते हैं बुर्जिल्ला, बारालाचला और शिपविल्ला। तो बुर्जिल्ला जो दर्रा है वो वृहद हिमालय में स्थित है। हिमालय में कौन सा? वृहद हिमालय, बांटा था सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक। तो इस तरह से चार श्रेणियां बांटी थी। वृहद हिमालय में स्थित है जम्मू कश्मीर, आपका जो राज्य है वो राज्य कौन सा आ जाएगा? जम्मू कश्मीर। और श्रीनगर से विलपित बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है जिसे पाकिस्तान ने अभी कब्जा रखा है, उसे जोड़ने का कार्य करता है। फिर बारालाचला और शिपविल्ला दोनों वृहद हिमालय प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। एक लेह से मनाली को जोड़ता है, एक शिमला तिब्बत को जोड़ता है, यानी भारत और तिब्बत को चीन को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं नीतिमाना मुलिन, नीतिमाना और मुलिन, ये तीन दर्रे वृहद हिमालय में है, उत्तराखंड में है और भारत और चीन को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। नीतिमाना और मुलिन वृहद हिमालय में है, उत्तराखंड में है और भारत और चीन को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं जलेपला, ये कहां पर है? वृहद हिमालय में है, सिक्किम में है, गंगटोक से ल्हासा का ये मार्ग है वो प्रदान करते हैं, ठीक है। नाथुला भी करते हैं। फिर आते हैं पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे पर, है ना। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे पर, इसमें मुझे एक और चीज है वो शामिल करनी चाहिए थी जो मुझे अभी महसूस हो रही है, पर्वत श्रेणी का नाम, है ना, वो भी शामिल होना चाहिए था, तो ये आपका पूरा हो जाता, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें मैं ये पर्वत श्रेणी अभी ऐड करवा दूंगा कि वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। हिमालय की स्थिति तो आ गई, लघु हिमालय, वृहद हिमालय ये, लेकिन एक पर्वत श्रेणी आ जाए तो आपका मतलब 100% काम उसमें हो जाएगा। तो ये टेबल ही याद कर लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाएंगे। और बाद में याद कर लेना जवाहर सुरंग कौन से में है, है ना, और दो चार चीजें बच रही है फिर तो, ठीक है। 1962 में कौन सा दर्रा बंद हुआ था और बाकी सारी इस टेबल में आ जाएगी। अब जलेपला, वृहद हिमालय, सिक्किम और गंगटोक से ल्हासा, पीर पंजाल, बनिहाल, लघु हिमालय, पीर पंजाल श्रेणी है, जम्मू कश्मीर और जम्मू को कश्मीर से और श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने का कार्य करते हैं। रोहतांग दर्रा, लघु हिमालय, हिमाचल प्रदेश और मनाली से लेह में, बोमडिल्ला, उत्तर पूर्वी हिमालय, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा तिब्बत से, डीफू, उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का कार्य करते हैं, और पानसाउ दर्रा, उत्तर पूर्वी हिमालय, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का कार्य करते हैं, और तुजू दर्रा उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश में है, मणिपुर राज्य में स्थित है और मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने का कार्य करता है। तो ये अपने पूरे टोटल जितने भी दर्रे थे वो आज हमने कंप्लीट कर दिए, है ना। तो इनमें कोई भी डाउट हो, है ना, कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, हालांकि मुझे पता है मैं समझ में तो आ गई है ना, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, है ना। क्यों पूछ लेता है? क्योंकि पूछ लेना चाहिए, है ना। इन चीजों में थोड़ा ज्यादा ही क्या हूं, सेंटेंस बुरे नहीं होते मेरे इनमें, है ना। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी बता दो। नो डाउट मनीषा जी, और कौन कौन जुड़े हुए हैं? प्रकाश और अरुणा। चलिए तो आज भी ये क्लास है वो यहीं पे समाप्त करते हैं।
आई होप आप सभी को है वो समझ में आया होगा, अच्छा भी लग रही होगी क्लास। और फल है जो हमें कौन से पढ़ोगे, घाटियां बच रही है ना, जो घाटियां हैं वो पढ़ने का कार्य करते हैं। जब तक आप पूरे दिन में फल जो ये पढ़ाया दर्रे वो कंप्लीट तैयार कर लेना, ठीक है। आपसे फल पहले ऐसे करता हूँ, 3 या 4 क्वेश्चन पूछता हूँ दर्रों से, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन सोल्व करवाने के बाद फिर घाटियों पे आएंगे हम, ठीक है। तो ये हम बना लेते हैं क्योंकि ये इंपोर्टेंट चीज है। इंपोर्टेंट कैसे है, हमने चट्टाने पढ़ ली, हमने प्रदेश पढ़ लिए। अब जैसे ही मानसून आएगा मैं बोलूंगा कारकोरम हिमालय में ये हुआ वो हुआ, आपको याद ही नहीं है, ठीक है। मैं बोलूंगा कि मानसून में, मानसून जैसे ही आया इसके बाद में ऋतु आई, मानसून आया, और मैं बोलूंगा और आपको याद ही नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति हमें नहीं लानी है ना। हम तो ये समझ रहे हैं कि आप सब क्या है, जीरो है, जीरो से लेकर हमें चलना है, ठीक है। कोई बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने पूरा पढ़ रखा है ना, लेकिन हमारे स्तर पे तो हम तो उनके हिसाब से चले तो फिर आप पीछे रह जाओगे, है ना। तो जीरो से चलते हैं और जीरो से कंप्लीट पूरे तक चलेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ठीक, 8 बजे इंडियन में और 5:30 बजे जो हमारा प्रायोजित भूगोल चल रहा है उसमें, ठीक है। दोस्तों धन्यवाद।